Vande Mataram all of you, I'm Varsha Singh and today we are going to talk about phases of the moon. आज की क्लास में मैं आपको कुछ DIY भी सिखाऊंगी related to phases of moon. आप सभी जानते हैं या आप सबने ही देखा होगा sky में, नहीं देखा तो आज ज़रूर देखिएगा. Moon के phases हमेशा change होते रहते हैं. सो आज हम क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी प्रैक्टिस सम DIY रिलेटेड टू फेजेस ऑफ मून. सो किड्स, दिस इज अवर चार्ट. फर्स्ट इज न्यू मून, दिस इज न्यू मून एंड आफ्टर दैट वैक्सिंग क्रिसेंट. वैक्सिंग मीन्स ग्रोइंग मून, waxing crescent. After that, first quarter, then waxing gibbous, और उसके बाद आता है full moon, the beautiful full moon. Full moon के बाद moon धीरे धीरे thin होना start होता है and that's called waning gibbous. Waning means waving. आप wave कब करते हो, जब आप किसी को goodbye करते हो. फुल मून के बाद मून गुड बाय कहना स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे थिन होना स्टार्ट हो जाता है. सो आफ्टर फुल मून इट्स वैनिंग गिबिस. आफ्टर फुल मून इट्स वैनिंग गिबिस. थर्ड क्वार्टर वैनिंग क्रिसेंट. वैनिंग क्रिसेंट देखिए यहाँ पे इतना बिग है और फिर और थिन हो गया, फिर क्रिसेंट में बहुत थिन सा चांद दिखता है जैसा आपको ईद का चांद दिखता है एंड आफ्टर दैट फिर वो न्यू मून पे आ जाएगा. आपको क्या करना है, आपको स्काई में देखना भी है डेली. ओके, सो गेट रेडी फॉर द DIY. This video with Varsha the storyteller. So please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Keep learning. Bye bye kids.